हमें एक ओर पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करनी है, लेकिन साथ साथ एक एक बूंद पानी की, चाहे वह वर्षा का पानी हो, चाहे वह उपयोग होने वाले पानी के एक एक बूंद का उपयोग करते हुए उसका संरक्षण भी करना, उसका उचित नियोजन भी करना, ये दोनों कार्य आपके होने चाहिए और आपके माध्यम से इसकी उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अभियान प्रारंभ किए, अटल भूजल योजना प्रदेश के अंदर उसी प्रकार की एक योजना है, चेक डैम का निर्माण भी करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं और इन प्रयासों में हमारा भी अपना योगदान होना चाहिए। केवल सहायक टेक्नीशियन, बोरिंग सहायक टेक्नीशियन के रूप में ट्यूबवेल को ऑन करना, ट्यूबवेल को ऑफ करने तक ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जल के संरक्षण और उचित नियोजन की व्यवस्था के साथ हमें स्वयं भी जुड़ना होगा और लोगों को भी जोड़ना होगा। अगर हम लंबे समय तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो याद रखना कि इसका लाभ भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा मिली है, यह इस अमूल्य संपदा जल के कारण ही मिल पाई है। और याद रखना, जल के बगैर तो जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है।